हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत इन इजी वे में। रमा शब्द रूप, रमा आकारांत स्त्रीलिंग, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो आज हम आसान ट्रिक से रमा के शब्द रूप याद करेंगे, जो बहुत ही आसान है। तीन शब्दों के द्वारा आपको पूरे रमा के शब्द रूप याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं। रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। एक वचन के लिए जो हमें याद करना है वो है आ, आम या ये, या यामाकारे। इस पंक्ति को आपको याद कर लेना है, आपको एक वचन रमा के सारे विभक्तियों में याद हो जाएंगे। देखिए, प्रथमा विभक्ति में आ से रमा, फिर द्वितीय विभक्ति में एक वचन के लिए आम, उससे बना रमाम। फिर इसके बाद में यहां आया आया, म से अ लगो करके या आया। तो तृतीय विभक्ति एक वचन बना रमैया। फिर चतुर्थी विभक्ति के लिए ये बन गया रमाये। उसके बाद में या, याहा, पंचमी विभक्ति के लिए रमायाहा। उसके बाद में फिर या, याहा, ये हो गया षष्ठी विभक्ति के लिए रमायाहा। और पीछे हमने पढ़ा था याम, यामाकारे, यानी याम आकारांत स्त्रीलिंग के लिए है। तो याम रमा याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अर्थात आ याम या ये या यामाकारे। इस पंक्ति के द्वारा आपको ये सात विभक्तियों के एक वचन याद हो जाएंगे। आसान है ना बनाना? तो बस आपको सिर्फ ये याद करना है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम द्विवचन के लिए ट्रिक। द्विवचन क्या याद करना है हमें? द्विवचन के लिए सिर्फ द्वे त्रिभ्याम द्वयो हो, इनके द्वारा आपको द्विवचन सातों विभक्तियों में याद हो जाएंगे। देखिए, द्वे दो होंगे एक ए, प्रथमा विभक्ति में रमे, द्वितीय विभक्ति में भी रमे। हम पढ़ रहे हैं द्विवचन के लिए। उसके बाद में है त्रिभ्याम, तीन आएंगे इसमें भ्याम के, रमाभ्याम तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति रमाभ्याम, पंचमी विभक्ति में भी रमाभ्याम। द्वयो हो दो होंगे यो हो, षष्ठी विभक्ति रमयो हो और सप्तमी विभक्ति भी रमयो हो। अब है बहुवचन। बहुवचन में देखिए क्या याद करना है? द्वाहा भीह द्वाभ्य नामासु, द्वाहा भीह द्वाभ्य नामासु। अब इसमें देखिए दो होंगे आहा के, रमाहा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति रमाहा। फिर उसके बाद में है भीह, तो भी है आएगा तृतीय विभक्ति में। किसके लिए याद कर रहे हैं हम? बहुवचन के लिए। उसके बाद में द्वाभ्यः, दो होंगे भ्यः, यानी चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में दो शब्द होंगे भय को लेकर के, तो रमाभ्यः और रमाभ्यः। फिर उसके बाद में देखिए नामासु, तो नाम आएगा षष्ठी विभक्ति में, रमा णाम। क्या आ गया इसमें? देखिए न और यहाँ अण, तो कल भी मैंने आपको बताया था जहाँ जिन शब्दों में र होता है वहाँ न की जगह ण होता है, और श र इनके
शब्दों के साथ में ण और नहीं तो न। तो यहाँ हो गया रमाणा। उसके बाद में है आसू, तो आसू से बना रमासु, सप्तमी विभक्ति का हो गया। देखिए क्या याद करना है, सिर्फ द्वाभिः द्वाभ्यः नामासु और सात विभक्तियों में बहुवचन के शब्द रूप याद हो गए। और संबोधन जो होता है वो प्रथमा विभक्ति के समान ही होता है, ठीक है। तो इनको हमें अच्छे से याद करना है। अब वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से शब्द रूप याद कर सके, क्योंकि शब्द रूप याद करना थोड़ा सा कठिन लगता है और इन ट्रिक के द्वारा आप आसानी से शब्द रूपों को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।